मतलब कि जो बेरोजगारी आज के दिन है वो 87.1% है, जो मार्च में 8.7% थी। 12 करोड़ लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी गवा दी, 12 करोड़। उसमें से 9 करोड़ लगभग स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो श्रमिक लोग हैं, 9 करोड़ तो वही हैं, और 1.78 करोड़ जो सैलरीड लोग हैं, और 1.8 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो ये 12 करोड़ बनता है। और अगर सरकार के पास कोई डेटा नहीं होगा, इस समय सरकार के पास केवल ये डेटा है कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है, माइग्रेंट्स को राहत मिली है। मतलब कि जहां 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ये कहते हैं कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है। ये आंकड़ा हमारे सामने ये दिखाते हैं। बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को कैसे राहत मिलेगी? फिर कहते हैं कि देखिए, हमने एक और बात आपको बता दूं, बहुत ही गंभीर है, और शायद मोदी जी कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो वी आर ऑन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, हमने बड़ी उन्नति दिखाई है। उन्नति का एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो भुखमरी का इंडेक्स है विश्व में, उसमें हिंदुस्तान का रैंक 102 है 117 देशों में से। तो अगर ये लोग वो एजेंडे नहीं चलाते, CAA, NRC और इस पे ध्यान देते, तो गरीब को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन ये तो गरीब में भूले हुए हैं, ये अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं गरीबों के साथ।